आप देख रहे हैं श्रावस्ती तक न्यूज। घर में काम कर रहे एक व्यक्ति की कट लगने से उसने अंतिम सांस लिया, जिससे घर में कोहराम मच गया। पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के थाना गिलौला क्षेत्र के घोरमा मठ गांव के एक घर में उस समय कोहराम मच गया जब एक व्यक्ति घर में काम कर रहा था। उसी समय बिजली के लोहे के पोल में चिपक कर उसने अंतिम सांस लिया। आपको बता दें कि गांव के मोहम्मदीन अपना मकान बनवा रहा था, उसने बालू खरीदा था। बालू का रख रखाव करते समय घर में लगे बिजली कनेक्शन के लिए लगाया गया पतले लोहे के पाइप में बिजली का कट उतर आया। मोहम्मदीन ने उस पोल को छू लिया और उसी में चिपक कर उसने अंतिम सांस लिया। इस बात की जानकारी होते ही गांव के तमाम लोगों की भीड़ लग गई। गांव के लोग हैरत में थे कि अभी कुछ ही देर पहले तो भला चंगा था और अब नहीं रहा, पर होनी को कौन टाल सकता है। जिसका जितना आबदाना होगा उस उतने दिन ही रहना है। मृतक के घर में कोहराम मच गया, बीवी बच्चों का बुरा हाल है। परिवार के लोगों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। लाइट की वजह से इंतकाल हुआ है, उनकी मौत हुई है। सुबह 12:10 पर वो घर पर बिजली था और उसी दौरान में उसके करीब में लाइट का जो ये टन्नी आता है, इस टन्नी में करंट उतरने की वजह से उनका हाथ लग गया और उसी जगह पर वो अपना घर का कार्य कर रहे थे और लाइट आई और उसी में वो चिपके रह गए और उनका मृत्यु हो गया। क्या नाम था इनकी, इनका नाम क्या था और इनकी उम्र कितनी थी? उम्र इनकी 40 साल की थी और नाम इनका मोहम्मद दीन था। इनके कोई बच्चे भी हैं? हाँ, 4 बच्चियां हैं, 1 लड़का है। आपका अपना श्रावस्ती तक YouTube न्यूज चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।